हेलो हेलो, हम आपको बताएंगे कंक्रीट किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है। और इसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो में आपको बना के दिखाता हूँ कैसे कंक्रीट डिज़ाइन की जाती है। आप सबसे पहले स्टैट प्रो में वो फाइल है, फाइल ओपन कर लो। फाइल ओपन होने के बाद आपको इस तरीके से तो एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ मिलेगा। इस स्ट्रक्चर पर आपको देखना है कि सरिये में, बीम में, कॉलम में कितनी स्टील आ चुकी है। इस स्टैट प्रो के बारे में आपको तो जानकारी होगी, इतना तो होगा बेसिक। इससे मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एनालिसिस रन एनालिसिस किया। रन एनालिसिस करने के बाद रन एनालिसिस किया, हम इसमें करेंगे व्यू व्यू आउट फाइल, व्यू आउट फाइल में गए और डन किया। डन करने के बाद इस तरीके से हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें दे रखा है 3 सरिया 10 mm की, 2 सरिया। ये क्या है कि हमारा रन एनालिसिस है। इससे हमारे एक्चुअल में जो कंक्रीट डिज़ाइन होती है, स्टील डिज़ाइन होती है, वो एक्चुअल में नहीं आ पाती। इस तरीके से हम इसमें एक और ऑप्शन दिया है जिससे हम जैसे 16 की स्टील या 25 की स्टील या 20 की स्टील हम ले सकते हैं। इससे क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा उस तरीके से। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ये करना है, कंक्रीट डिज़ाइन पे आना है। कंक्रीट डिज़ाइन के जाने के बाद आपको इस तरीके का फाइल ओपन हो जाएगी। फाइल ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जॉब इन्फो, जॉन इन्फो में जाना है। जॉन इन्फो में आप कोई भी नाम डाल सकते हो, जैसे कि ए या बी या सी या सुशील या रश्मि, कोई भी नाम डाल सकते हो। इसमें गए हम, व्यू लिस्ट में गए और इसमें हमने क्या किया, आप बीम डिजाइन कर रहे हैं। बीम डिजाइन करने के बाद हमने न्यू इनव्यू ओपन किया। करने के बाद हम इसमें बीम डिजाइन लिखेंगे, बीम 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 डिजाइन, ओके किया। ओके करने के बाद और इसमें सारे लोड दे रखे हैं आपको, लोड को हम बीम डिजाइन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम इसे ओके कर देंगे। ओके होने के बाद ये हो गया हमारा, इस तरीके से फाइल ओपन आ गई। कर सकते, इस तरीके से फाइल ओपन हो गई। इस पे लिखा हुआ है बीम डिजाइन। बीम डिजाइन करने के बाद इसमें हम सबसे पहले मेंबर में जाएंगे, मेंबर में नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे बीम कॉलम, बीम सेलेक्ट करेंगे जब बीम डिजाइन कर रहे हैं। तो बीम डिजाइन करने के लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से हमारी फाइल ओपन आ जाएगी। अब इसमें हम मेंबर में जाएंगे, मेंबर मेंबर में जाने के बाद ऑटो फॉर्म मेंबर, ऑटो फॉर्म मेंबर में जाएंगे और जितने भी वी में हमारी जिन भी वी में हमारे इसके नामांकन हो गया, M45, M55, M65, इस तरीके से हमारा ये हमारी बीम बन गई। इस पर जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ग्रुप वेरीफाई, ग्रुप वेरीफाई, ग्रुप वेरीफाई में हम जाएंगे न्यू वेरीफाई। न्यू वेरीफाई पर जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे बीम डिजाइन, बीम डिजाइन, बीम डिजाइन। बीम डिजाइन में हम क्या करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड कोर्स IS 456, ये आप तो पढ़ चुके होंगे बीटेक में। अब बीम डिजाइन, ओके ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारे टॉप में 25 सरिया आ रही है, इसको जनरल में जाएंगे। जनरल में जाने के बाद हमें टॉप जो मिनिमम कवर होता है वो बीम में, वो हम 25